नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी मीडिया संस्थानों को वक्त वक्त पर इंटरव्यू देते रहे हैं और अभी हाल ही में नामांकन करने बनारस गए। मोदी जी ने इसी दौरान भी वक्त निकाल कर मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और अपनी बातें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई। पीएम मोदी के इंटरव्यू देने के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ कई न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिया और इसमें इंडिया टुडे ग्रुप भी शामिल था। और पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने के बाद इंडिया टुडे ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का भी इंटरव्यू लिया और इंडिया टुडे ने इस इंटरव्यू का कमिंग अप भी चलाया है। मगर राहुल गांधी का ये इंटरव्यू तय वक्त पर इंडिया टुडे पर ऑन एयर नहीं हो सका, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। बीजेपी समर्थक अंकित जैन ने इस इंटरव्यू के बारे में लिखा, इंडिया टुडे ग्रुप के सभी कर्मचारियों को धमकी दी गई है कि अगर वो राहुल गांधी के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर इंडिया टुडे से पूछा है कि राहुल गांधी का ये इंटरव्यू कहाँ है। एक वायरल मैसेज में लिखा गया है, अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे ने राहुल गांधी का इंटरव्यू ऑन एयर नहीं किया और प्रिंट के लिए इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा ही तैयार किया गया, क्योंकि ये इंटरव्यू इतनी बड़ी त्रासदी थी कि इससे कांग्रेस की मुहिम पर पानी फिर जाता। कांग्रेस ने रिकॉर्डिंग लेकर चैनल को शर्मिंदा नहीं होने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज तक ग्रुप के हिंदी चैनल को इंटरव्यू देने की पेशकश भी की। उन्हें जयपुर बुलाया गया और अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जैसे वरिष्ठ एंकर के साथ 25 लोगों की टीम पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी मिनट में राहुल गांधी ने इंटरव्यू देने से ये कहकर मना कर दिया कि इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पर छपी उनकी फोटो से वो खुश नहीं है। तो वहीं एक और ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, क्या आपके पास प्रिंट इंटरव्यू देखने की बड़ी ताकत है। एक और ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की माइक वाली तस्वीर शेयर करते हुए पूछा है, माइक के साथ प्रिंट इंटरव्यू कौन देता है। ट्विटर यूजर ने इंडिया टुडे से इंटरव्यू ऑन एयर करने की अपील भी की है। तो वहीं फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, एक वक्त था जब इंडिया टुडे पत्रकारिता के मानक तय करता था। राहुल गांधी के वीडियो इंटरव्यू को सेंसरशिप करने के साथ उन्होंने खुद को पत्रकार कहने के सभी अधिकार खो दिए हैं। राहुल गांधी के इस इंटरव्यू की वजह से इंडिया टुडे सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा है और लोग पूछने लगे हैं कि राहुल का इंटरव्यू कहाँ है, जिस पर इंडिया को सफाई देनी पड़ गई है। और इंडिया टुडे ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा, इंडिया टुडे मैगजीन को दिया राहुल गांधी का इंटरव्यू प्रिंट इंटरव्यू था। इंडिया टुडे ग्रुप के पास उस इंटरव्यू का कोई वीडियो नहीं है, हालांकि कांग्रेस ने इसे रिकॉर्ड किया था, हमारे पास मौजूद नहीं है। बात करें राहुल गांधी की तो अक्सर रैलियों और जनसभाओं में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगते हैं, लेकिन इस बार वो बिना कुछ बोले ही ट्रोल होने लगे, वो भी उस इंटरव्यू के लिए जो ऑन एयर ही नहीं हुआ। राहुल गांधी के साथ साथ इंटरव्यू लेने वाला इंडिया टुडे ग्रुप भी ट्रोल होने लगा है, जिस पर उसे सफाई देनी पड़ गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।